अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, तो निशांत जैन को आप लोग जानते होंगे। निशांत जैन के द्वारा यूपीएससी में 13 रैंक ली गई और इसी के साथ में स्टेट पीसीएस भी इनका क्लियर हो रहा था साथ ही साथ में। तो जो बच्चे कई बार ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर क्या यूपीएससी के साथ में स्टेट पीसीएस को लेकर चला जा सकता है, और खासकर जब से यहां पर उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन की साइड से अभी कैलेंडर इश्यू किया गया, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन सामने निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। इसके साथ में आप लोगों को ये बता दूंगा कि कैलेंडर में क्या क्या आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और ऐसे कौन से और एग्जाम है जो कि आप लोग अपने जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ में देखकर चल सकते हैं, और ये भी एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है ताकि आप लोग जो है अपने आप को डिमोटिवेट फील ना करें। क्योंकि जब यूपीएससी के इंटरव्यू में आप लोग जाकर बैठेंगे, अगर आप लोगों के हाथ में एक जॉब होगा तो आप लोग और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, और इसी के साथ में आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस भी अपना बढ़ेगा अगर आप लोगों के स्टेट के एग्जाम क्लियर अगर हो जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये कैलेंडर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। इसके बाद में दो ऐसे एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस कैलेंडर के अंदर जो आप लोगों को फायदेमंद हो सकते हैं, जो कि अगर यूपीएससी आप लोग माइंड में लेकर चल रहे हैं तो इसको भी आप लोग साइड में रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों को इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा। इसी के साथ में दो ऐसे राज्य हैं, एक तो मुझे जो मैंने नॉर्मली जिनको मैंने फोकस किया है, एक तो है उत्तर प्रदेश और एक है राजस्थान। ये लगभग अपना पैटर्न जो है वो यूपीएससी के पैटर्न पर फॉलो करके चलते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन अगर आप लोगों को करनी है तो ज्यादा एक्स्ट्रा आप लोग एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा, यानी कि आप लोग अपनी जो अपनी प्रिपरेशन है यूपीएससी की उसके साथ में आप लोग इनको लेकर आसानी से चल सकते हैं। बाकी अगर किसी और राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के राज्य में किस तरीके से पैटर्न फॉलो किया जाता है। मुझे फिलहाल अभी इन दो के बारे में आइडिया है, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहली तो डेट ये है जो है 21 जनवरी, तो 21 जनवरी आप लोगों के काम की नहीं है क्योंकि जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया है 21 जनवरी उसके लिए है। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है यहां पर यह है 13 जून। 13 जून को यहां पर जो उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस है उसका आप लोगों को यहां पर 13 जून को प्रीलिम्स होता हुआ नजर आएगा। और आप लोगों को बताएं जून के महीने में आप लोगों का यूपीएससी का भी प्रीलिम्स है, तो अगर आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी खासी है तो आप लोग इसका प्रीलिम्स भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अगर हल्का सा भी फोकस इसके ऊपर आप लोग देकर चलेंगे तो इनके प्रैक्टिस अगर आप लोगों की अच्छी होगी तो इसको निकाल कर ले जाएंगे। जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने निशांत जैन का उदाहरण दिया, और यहां पर जैसे आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होता है तो फिर आप लोगों का जो मेंस होगा जो आप लोगों के पास में अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा तो यहां पर अक्टूबर में होगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अभी आप लोग जनवरी के महीने में बैठे हैं तो आप लोगों के पास में दो अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग इसको लेकर चलते हैं। और ये खासकर ऐसे एग्जाम है कि कई सारे दूसरे राज्य के बंदे भी यहां पर इसको भरते हैं। आप लोग अगर किसी दूसरे राज्य से आते हैं तो आप लोग भी इन पेपर के फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा एक और जो यहां पर है ये इससे थोड़ा लोअर ग्रेड का है, ये है यहां पर रिव्यू ऑफिसर। तो रिव्यू ऑफिसर और इसी के साथ में जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है इनके जो एग्जाम है इसका 1 अगस्त को होगा जो प्रीलिम्स, और जो मेंस होगा वो 18 अगस्त को होगा। तो कई सारे ऐसे मेल मैंने पढ़े अभी रिसेंटली कि सर समझ में नहीं आ रहा है जो लास्ट एज में पहुंच रहे हैं और सर कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो इन एग्जाम को भी आप लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यूपीएससी के पीछे लगे रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता रहता है कि और भी कई सारे एग्जाम है। अभी मैं एक ऐसे बच्चे से बात कर रहा था तो उसने बोला कि सर मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, मुझे तो बस यूपीएससी के बारे में पता था। तो जो नए नए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसकी भी कई बार ये प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोग यूपीएससी के साथ में अपना जो स्टेट का अगर कोई एग्जाम आप लोग तैयार करें तो उससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर आप लोग अपने अपनी जो एक तरीके से होने होता है कि प्रिपरेशन करने का जो डायरेक्शन है उसको भी आप लोग अच्छे से निहार पाएंगे, और खासकर अगर ये सारी चीज साथ में चलती रहेंगी तो आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। कंटिन्यूअसली आप लोगों को प्रिपरेशन करना है तो एक पूरा लंबा प्रोसीजर है। तो अपने आपको मोटिवेट रखने के लिए छोटे छोटे एग्जाम जो भी आप लोग उनके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी अलग से, बस देखकर उससे आप लोगों को लेवल पता चलता रहेगा अपना। तो ये चीजें आप लोग इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग इनको भी कंसिडर कर सकते हैं, और इसी के साथ में जो राजस्थान पीसीएस का जो पेपर होता है उसको भी आप लोग कंसिडर करके चल सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम कई सारे अगर टॉपर के आप लोगों ने देखे भी होंगे इंटरव्यू ढाका, तो वो क्या करते हैं वो साइड में किसी न किसी ऐसे भी एग्जाम को क्लियर किए हुए बैठे रहते हैं, या तो ऑलरेडी वो यहां पर एग्जाम में क्लियर हो चुके हैं यूपीएससी के अंदर, वो अपनी रैंक बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, या फिर किसी स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंदर किसी न किसी पोस्ट पर है, या सीजीएल में या फिर किसी दूसरे एग्जाम में। तो इससे आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, जब आप लोग कहीं इंटरव्यू में जाकर बैठेंगे तो प्रेशर में आप लोग नहीं आएंगे। तो ये मेरी साइड से एक छोटा सा सजेशन है जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो ये आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों इससे फायदा होगा। बाकी किस किस राज्य से आप लोग आते हैं और क्या उस राज्य का भी पैटर्न जो है यूपीएससी के पैटर्न का है, तो आप लोग उसके बारे में जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, तो उसको जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग इसको देखने में कैलेंडर को इंटरेस्टेड है तो। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।